हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी के ड्राई मोड और डीह्यूमिडिफायर की, यानी कि इन दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एसी का ड्राई मोड यूज़ करते हैं ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डीह्यूमिडिफायर्स का यूज़ करते हैं ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मानसून आता है या फिर रेनी सीजन आता है तब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण चिपचिपाहट होने लगती है या फिर सीलन वगैरह प्रॉब्लम होती है, एलर्जी इश्यूज हो जाते हैं, कुछ लोगों को अस्थमा की भी प्रॉब्लम हो जाती है अगर ज़्यादा मतलब वो मॉइस्चर वाले माहौल में रहें तो ऐसे में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब वो करें कैसे, डीह्यूमिडिफायर से या एसी से, तो ये इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करते हैं व्हाट इज एसी। एसी के बारे में तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं और आप सबको पता भी है, आप लोगों के घर में होगा भी। एसी दोस्तों एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे कमरे की हवा को या वहाँ के तापमान को हमारे अनुकूल बनाती है। वो उस हवा को गर्म भी कर सकता है या फिर ठंडा भी कर सकता है, जैसा हम चाहें, जिस कंडीशन में हम चाहें उस कंडीशन में वो हमें एयर प्रोवाइड करता है, और उस एयर को क्लीन भी करता है क्योंकि एसी के अंदर फिल्टर्स भी यूज़ किए जाते हैं। अब बात करें कि क्या होता है एक डीह्यूमिडिफायर। दोस्तों, हवा या कमरे की हवा में नमी होती है, उस नमी को ख़त्म करने की क्षमता रखता है डीह्यूमिडिफायर, और इसीलिए ही इसका यूज़ किया जाता है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। ये बिल्कुल पोर्टेबल एसी या फिर एयर प्यूरीफायर जैसा दिखता है, छोटा सा होता है, पोर्टेबल होता है, कहीं भी किसी भी कमरे में आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, सीलन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं या नमी से, मॉइस्चर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो ऐसे में इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके डिफरेंसेस की, कि एक डीह्यूमिडिफायर और एक एसी के ड्राई मोड में क्या फ़र्क होता है, और फिर बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ की, कि इन दोनों ही मशीन्स में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले मोटे मोटे जो डिफरेंसेस हैं वो तो मैं आपको बता दूं कि जो एसी होते हैं वो फिक्स भी होते हैं और पोर्टेबल भी होते हैं, किसी भी तरह का आप ले सकते हो। ज़्यादातर फिक्स टाइप एसी ही लोग यूज़ करते हैं, यानी कि एक कमरे में लगा दिया, अब वो उसी कमरे का हो गया। दूसरे कमरे में आपको एसी का आनंद लेना है तो आप दूसरा एसी लगाएंगे। हालांकि पोर्टेबल एसीज भी आ गए हैं, बट इतने ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं हैं, लोग नहीं ले रहे हैं उनको। और एक डीह्यूमिडिफायर होता है, वो होता ही पोर्टेबल है, आप उसको कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हो, किसी भी रूम में जाकर उसे यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो एसी की ज़्यादा होती है और डीह्यूमिडिफायर की कम होती है, और इसी तरह से एक्सपेंसिव जो है वो एसी होते हैं, एसी बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, लेकिन जो डीह्यूमिडिफायर्स हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ते आपको मिल जाते हैं। ये तो हो गए जो मोटे मोटे डिफरेंसेस थे। अब कुछ टेक्निकली बातें करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मॉइस्चर के साथ डीलिंग, यानी कि मॉइस्चर को किस तरह से ख़त्म किया जाता है दोनों ही मशीन्स में। हालांकि दोनों ही मशीन्स में, एसी में भी और डीह्यूमिडिफायर में भी, कूलिंग कॉइल का ही यूज़ किया जाता है हवा में से मॉइस्चर को अलग करने के लिए, लेकिन एसी में एक ड्रेन ट्रे में उस पानी को इकट्ठा करके फिर एक ड्रेन पाइप की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन डीह्यूमिडिफायर में एक कंटेनर होता है जिसमें वो पानी इकट्ठा होता रहता है और उसके बाद उसको आप मैन्युअली जाकर खाली करते हो, या फिर उसमें भी एक ऑप्शन आता है कि आप पाइप या होज लगा सकते हो ताकि आपको बार बार उसको खाली ना करना पड़े। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की, और वो है दोस्तों मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं दोनों ही मशीन्स में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले डीह्यूमिडिफायर की, तो डीह्यूमिडिफायर में जो हवा होती है कमरे की उसी को ही सर्कुलेट किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब वो हवा को सक करता है तो सबसे पहले एयर फिल्टर लगा होता है, उसके बाद कूलिंग कॉइल लगी होती है, और उसके बाद हीटिंग कॉइल भी लगी होती है। तो यानी कि जो हवा है वो सबसे पहले एयर फिल्टर, कूलिंग कॉइल और हीटिंग कॉइल तीनों में से ट्रेवल करती हुई फिर आपको मिलती है।
और इस प्रोसेस से बहुत एफिशिएंटली ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर लिया जाता है। बात करें एसी के अंदर, तो एसी में दोस्तों भी यही प्रोसेस होता है, कमरे की हवा को ही सर्कुलेट किया जाता है। तो एसी में भी कमरे की हवा पहले सक की जाती है, वो सबसे पहले एयर फिल्टर से होकर गुजरती है, उसके बाद कूलिंग कॉइल से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पर हीटिंग कॉइल का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ कूलिंग कॉइल ही होती है और वहाँ के बाद आपको डायरेक्टली हवा मिलती है, क्योंकि जो हीटिंग कॉइल होती है एसीज की, वो या तो अलग होती है विंडो एसीज में पीछे की तरफ होती है, या फिर आउटडोर्स जो होते हैं बाहर होते हैं, तो हीटिंग कॉइल का इंडोर में कोई लेना देना नहीं होता। जबकि डीह्यूमिडिफायर्स में हीटिंग और कूलिंग कॉइल दोनों का काम एक साथ होता है। अब बात करें अगर अगले डिफरेंस की, तो वो है दोस्तों टेम्परेचर का बदलाव, यानी कि चेंजिंग टेम्परेचर। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों ही मशीन्स में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि एसी हमें ठंडी और गर्म हवा दोनों ही प्रोवाइड कर सकता है, कि ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा वेरिएंट है। ज़्यादातर कूलिंग ओनली ही होते हैं, ठंडा ही देते हैं, ठंडी हवा ही देते हैं। तो दोस्तों ऐसे में एसी ह्यूमिडिटी को तो कंट्रोल करता ही है, क्योंकि उसके अंदर एक ड्राई मोड दिया गया है। तो जब हम ड्राई मोड का यूज़ करते हैं तो वो ह्यूमिडिटी को तो कंट्रोल करता ही है, लेकिन साथ में जो टेम्परेचर हमें डिज़ायर टेम्परेचर चाहिए रूम के अंदर, उसको भी मेंटेन करता है, यानी कि उसको भी बनाए रखता है। और दोस्तों बात करें डीह्यूमिडिफायर की, तो डीह्यूमिडिफायर सिर्फ और सिर्फ एयर का मॉइस्चर ख़त्म करते हैं, वो टेम्परेचर ना कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं हवा का, वो सिर्फ़ और सिर्फ मॉइस्चर को ख़त्म या फिर कम करने का ही काम करते हैं। तो यानी कि अगर आपको कूलिंग वगैरह चाहिए तो आप एसी पे ही जाओगे, डीह्यूमिडिफायर आपको कूलिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता। बेशक उसके अंदर कूलिंग कॉइल है, लेकिन फिर भी वो आपको कूलिंग नहीं देता है। तो ये है मेजर डिफरेंस टेम्परेचर को लेकर। और अब बात करते हैं एक और डिफरेंस की, वो है दोस्तों टेक्निकल ऑल्टर्स। तो अगर मैं बात करूँ एक डीह्यूमिडिफायर की, तो उसके अंदर जो कूलिंग कॉइल यूज़ की जाती है वो कंडेंसेशन के लिए यूज़ की जाती है, और जो उसके अंदर फिल्टर यूज़ किया जाता है एयर फिल्टर, वो क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है ताकि आपको एक साफ हवा मिले। और जो हीटिंग कॉइल है वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि जिस तापमान की हवा को डीह्यूमिडिफायर सक कर रहा है उसी तापमान पे उस हवा को बाहर निकाला जाए, यानी कि वो हवा का तापमान चेंज नहीं करता है। ये उसकी वर्किंग है, या ये टेक्निकली वर्किंग है उसकी। अब इसी के उलट एसी की वर्किंग ये है कि वो हवा में जो मॉइस्चर है उसको ख़त्म भी करता है, और जब कूलिंग कॉइल के ज़रिए वो हवा मतलब होकर के गुजरती है तो कंडेंसेशन भी होता है, हवा की क्लीनिंग भी होती है फिल्टर्स के द्वारा। और यहाँ पर एसी के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि उस हवा का वो तापमान बदल सकता है, जो भी आपने डिज़ायर टेम्परेचर सेट करा होगा उस पर वो उसको बदल सकता है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है टेक्निकली दोनों ही आइटम्स में या दोनों ही प्रोडक्ट्स में। तो ये तो हो गई बात कि डिफरेंसेस क्या होते हैं एक डीह्यूमिडिफायर और एसी के ड्राई मोड में। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, क्योंकि डिफरेंसेस भी हैं इतने सारे और सिमिलैरिटीज़ भी काफ़ी सारी हैं इन दोनों के अंदर। तो सबसे पहली जो सिमिलैरिटी है वो है दोस्तों वेंटिलेशन। दोस्तों वेंटिलेशन, आपको जब पता है कि कमरे की हवा को वो घुमा रहे हैं तो वेंटिलेशन तो रहेगा ही कमरे के अंदर, तो ऐसे में ये दोनों ही जो प्रोडक्ट हैं ये हवा का सर्कुलेशन बनाए रखते हैं, जिससे कि आप इनको किसी भी तरह के रूम में या किसी भी कंडीशन वाले रूम में यूज़ कर सकते हो, बेशक बेसमेंट में, बेडरूम में, लिविंग हॉल में, कहीं भी आप इनको यूज़ कर सकते हो दोनों ही टाइप की मशीन्स को। अब बात करते हैं कि एयर की क्लीनिंग करते हैं ये दोनों। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में ही एयर फिल्टर्स लगाए जाते हैं। एसीज में तो आप सब जानते हो कितने एडवांस फिल्टर्स आ गए हैं आजकल। हालांकि एयर प्यूरीफायर जितनी साफ हवा या क्लीन हवा ये दोनों ही प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, पर आपको फिर भी बहुत हद तक क्लीन एयर ये प्रोवाइड करते हैं ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हुए। तो अगर आपको साफ सुथरी हवा भी चाहिए तो इन दोनों से ही मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों पोर्टेबिलिटी।
दोनों में एक और सिमिलैरिटी है, पोर्टेबिलिटी। अब यहाँ पे आप कहोगे कि स्प्लिट हो या विंडो एसी होते तो फिक्स होते हैं, उसमें तो कोई पोर्टेबिलिटी का इशू नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आप भूल रहे हो कि पोर्टेबल एसी भी आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। तो अगर आप पोर्टेबल एसी ले रहे हो तो आप उसको भी इधर उधर कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, किसी भी रूम में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें व्हील्स लगे होते हैं। सिमिलरली जो डीह्यूमिडिफायर्स होते हैं वो भी इस तरह के होते हैं कि आप उनको इजीली कहीं पर भी ले जाकर यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है। लेकिन फिर भी जो एसीज होते हैं वो ज़्यादातर फिक्स टाइप वाले ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। जो पोर्टेबल एसीज होते हैं उनकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली कम होती है स्प्लिट एसी या फिर विंडो एसीज से। तो यहाँ तक हम दोस्तों जान चुके हैं कि एक एसी क्या होता है, एक डीह्यूमिडिफायर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है या फिर हमें कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों ये एक मतलब डिपेंडेंसी के ऊपर या रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि अगर आप किसी ऐसे माहौल में रहते हैं या किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर तापमान अनुकूल ही रहता है, जहाँ पर आपको हवा का तापमान डिज़ायर करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो आप वहाँ पर डीह्यूमिडिफायर का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना ही अगर आपका रिक्वायरमेंट है, अगर आपका कूलिंग या फिर हीटिंग ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप एसी के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च मत कीजिए। आप एक बेस्ट क्वालिटी का डीह्यूमिडिफायर ही लीजिए, क्योंकि डीह्यूमिडिफायर मॉइस्चर को भी कंट्रोल कर देगा और हवा को क्लीन भी कर देगा। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट कूलिंग की भी है, हीटिंग की भी है, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके आप मतलब जो हवा है या कमरे का जो टेम्परेचर है वो डिज़ायर्ड चाहते हो, अपने हिसाब से चाहते हो, तो दोस्तों फिर आपको एक एसी ही लेना पड़ेगा। वो आपके ऊपर है कि आप पोर्टेबल एसी लेते हो, विंडो लेते हो, स्प्लिट लेते हो या फिर कोई और वेरिएंट लेते हो, लेकिन आपको लेना पड़ेगा एक एसी। क्योंकि एसी के अंदर बिल्ट इन मिलता है आपको ड्राई मोड, यानी कि वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता ही करता है। और आजकल कुछ एसी ऐसे भी आ रहे हैं, स्पेशली पोर्टेबल एसी भी ऐसे आ रहे हैं जिनको आप एज ए डीह्यूमिडिफायर भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आपको कूलिंग या हीटिंग नहीं भी चाहिए तो भी काम हो जाएगा, सिर्फ वो मॉइस्चर को ख़त्म करने का काम करेगा। तो ऐसे में मल्टीपर्पज़ काम हो जाता है एक एसी के साथ। लेकिन भाई एसी महंगे भी आते हैं, तो ऐसे में उनका रिपेयरिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट ये सब भी महंगा पड़ता है। लेकिन आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ लीजिए, ताकि आपको दो दो चीज़ों के ऊपर पैसा ना खर्च करना पड़े। और एक और बात, जिस एसी में डीह्यूमिडिफायर मोड होता है उसको आप विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उसकी कूलिंग को आप बंद कर सकते हो। तो ऐसे में वो एक बेटर चॉइस हो सकती है अगर आपको कूलिंग भी चाहिए गर्मियों में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके बताना। अगर ज़्यादा लाइक होते हैं तो समझूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर आते ही रहते हैं। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।